बनेगा नहीं 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 बनेगा लोकेशन रिलोकेशन वन डिमांड वन सॉल्यूशन रिलोकेशन रिलोकेशन दोबारा परसों दोबारा थर्ड लेटर जो है सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिली है। इसमें पीएम पैकेज एम्प्लॉयज के एक सेक्शन को टैग किया गया है और उसके बाद उनके क्रेडेंशियल्स की बात की गई है, एलोकेशन अकोमोडेशन की बात की गई है। हाईली सेंसिटिव केस है और मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। सरकार को इस चीज को जो है वो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और जहां भी पीएम पैकेज एम्प्लॉय है उसकी जान जो है सुरक्षा जो है उसको सुनिश्चित करनी चाहिए। देखो लगातार जब से टारगेट किलिंग हो रही है लगातार वार्निंग सिग्नल्स और वार्निंग जो नोट्स हैं वो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं और पर्टिकुलरली कश्मीरी पंडित और दूसरे नॉन लोकल्स की बात की जा रही है। मुझे लगता है यहाँ जो भी सरकार जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है चाहे और जो भी यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को इन चीजों का संज्ञान लेना चाहिए और से दो ही मांग कर सकते। एक जो हमारी डिमांड है वो क्योंकि अगर सरकार को एम्प्लॉय की जान को बचाना है तो इसमें एक डिमांड बनती है, वो ये डिमांड बनती है कि हमें यहाँ आरसीआरपी जुम्मा अटैच कीजिए, उसके बाद एक डायलॉग प्रोसेस जो शुरू हो और एक एमिकेबल सॉल्यूशन जो है उसको फाइंड करने की जरूरत है। दूसरा जो है इस वक्त भी जहां भी एम्प्लॉय है उसकी जान जो है उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, ये सरकार का जो दायित्व है और हमें लगता है कि सरकार जो है अपने दायित्व जो है वो पूरा करेगी।